ये तो आप जानते होंगे कि महावीर हनुमान चिरंजीवी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कलयुग में कहाँ हैं? दरअसल कहते हैं कि भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने अपने निवास स्थान के रूप में एक ऐसे पवित्र स्थान को चुना जिसे दैवीय कृपा प्राप्त हो, और ऐसे ही पवित्र स्थान का जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। गंधमादन पर्वत, ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने हनुमान जी को वरदान दिया था, जिसके बाद से ही कलयुग के धर्म रक्षक महावीर हनुमान यहाँ निवास करते हैं। ये स्थान कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। इस पर्वत पर गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं और सिद्ध ऋषि निवास करते हैं। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि इस पर्वत की चोटी तक किसी भी वाहन का पहुँचना असंभव माना गया है। अब ये बात हवा हवाई नहीं है, बल्कि इसके प्रमाण भी मिलते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर कई साधु संतों ने भी तपस्या करके हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए थे। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। गंधमादन पर्वत के अलावा हनुमान जी के किष्किंधा अंजनी पर्वत पर होने का भी उल्लेख मिलता है। कर्नाटक के कुप्पल और बेल्लारी जिले के निकट किष्किंधा क्षेत्र में माता अंजनी ने तपस्या की थी। कहते हैं इसी पर्वत पर पहली बार हनुमान जी ने राम जी के दर्शन किए थे, इसीलिए इस पर्वत पर भी हनुमान जी के होने का उल्लेख मिलता है।